अपना जो जालिम सैंडविच है रेडी हो गया, अभी इसका चीज को देखना। ओए होए क्या तो दिख रहा है, हर एक लेयर का एकदम जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ पे आओ ट्राई करो शर्मा सैंडविच जरीपट का दयान बाग के ऑपोजिट में, मात्र 200 रुपए का इतना ह्यूमंगस सैंडविच, जबरदस्त। अपने ब्रेड के स्लाइसेस लग रहे भैया, कितने इंच की स्लाइस है अपनी ब्रेड की? कितने इंच की है स्लाइस? 5 इंच। 5 इंच की ब्रेड की स्लाइस है, और ये चारों स्लाइसेस पे अपना बनने वाला है जालिम सैंडविच, जो कि शर्मा सैंडविच का बहुत फेमस है। निकाल दी है सेजवान चटनी, और ये पहली स्लाइस पे अपनी सेजवान चटनी लग जाएगी। तो देखो चारों स्लाइस पे मेयोनीज लग गई है पहले बेस पे। अब क्या रहने वाले भैया? लहसुन की चटनी। अच्छा लहसुन की चटनी, मतलब बहुत ही अलग अलग टेस्ट की चीजें लाती है इसमें, तो आपको हर एक लेयर का एक डिफरेंट टेस्ट और एक यूनिक टेस्ट मिलेगा। जैसे इसमें सेजवान चटनी लग गई, इसमें लहसुन की चटनी लग गई, और अभी इसमें चिली सॉस, जो अपने तीसरा है उसमें जाने वाली है स्वीट चिली सॉस। अपने शॉप की टाइमिंग्स क्या है फिलहाल? 3 to 11। और जोमेटो स्विगी चालू? स्विगी नहीं है, जोमेटो चालू। जोमेटो चालू, तो आप यहाँ से जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप नागपुर में रहते हैं तो। ये जो है सेजवान वेजिटेबल्स की स्टफिंग, सेजवान वेजिटेबल्स की स्टफिंग जो है अपने पहले बेस जिसपे सेजवान सॉस लगाई थी बेस पे उस पर लग गई है। तो ये जो स्टफिंग रहती है उसमें जो सेजवान सॉस रहती है वेजिटेबल्स के साथ पूरी अच्छे से मिक्स की हुई रहती है, तो काफी बढ़िया लगती है, थोड़ी स्पाइसी लगती है। और आपको तो पता ही होगा नागपुर में स्पाइसेस का तो मतलब जो चीज स्पाइसी हो नागपुर वालों को पसंद ही आती है, जैसे अपना स्पेशल तरी पोहा। ये अभी किसकी स्टफिंग जल गई भैया? मखनी पनीर। अच्छा ये जो अपन ने नीचे किसकी लगाई थी सॉस पहले? गार्लिक चटनी। अच्छा गार्लिक चटनी लगाई थी, उसके ऊपर मखनी पनीर डल गया है, और तीसरी जो है ना वो चीज कॉर्न की स्टफिंग है जो मेयोनेज के ऊपर लग गई है। मतलब काफी डिफरेंट टेस्ट आने वाला है हर एक इस पे, जैसे ये स्पाइसी हो गया, ये थोड़ा पनीर वालों के लिए मखनी पनीर, और जिनको मतलब चीज कॉर्न वगैरह बहुत पसंद है उनके लिए। और ये अपनी चौथी लेयर अभी बनने वाली है, जो बनेगी एकदम जो टॉप लेयर रहेगी अपनी वो लास्ट में बनाएगी। अच्छा वो लास्ट में बनाएंगे, उस पर चीज स्प्रेड भी लग गया, चार तीनों में चीज स्प्रेड आएगा। तो ये तीनों जो अपने स्लाइसेस है उस पर चीज स्प्रेड चले गया, और चौथी स्लाइस जो अपनी ये टॉप वाली रहने वाली है, ये टॉप वाली है, तो इस पे भी चीज स्प्रेड चले गया ऊपर से, व्हाइट वाला भी जाएगा, ये भी सब पे जाएगा। हाँ भाई देखो क्या तो लग रहे हैं चारों बेस अपने, जाएगा चीज जो चीज कॉर्न है उसमें ओरिगैनो भी जाएगा, ताकि आपको चीज कॉर्न पिज्जा का मजा भी आए इसमें। और अभी डालने वाली है चीज, और चीज में तो नो कॉम्प्रोमाइज, इतनी चीज डलेगी आप देखना एक बार बनने के बाद कैसा दिखता है अपना जालिम सैंडविच। तो ये जो टॉप वाला बेस है उस पर चीज लग गई है, ये चीज कॉर्न वाला जो स्लाइस है उस पर भी चीज डल गई है, ये मखनी पनीर वाले पे चीज डल गई अपने, मतलब चीज इतनी चीज है इस चीज में, मतलब एकदम चीजी हेवन बोल सकते हैं इसको। 200 रुपए में आराम से अगर आप चार दोस्त आ रहे हो तो चार दोस्त मस्त वाला स्नैक कर सकते हो। भाई क्या तो लग रहा है। अभी ये जो अपनी टॉप वाली लेयर पे डल रहा है, क्या डल रहा है भैया? कैप्सिकम। ये कैप्सिकम डाल दिया, चार ऐसे स्लाइसेस डाल दी कैप्सिकम की। बेल पेपर, ये टोमेटो, टोमेटो की स्लाइस है, अनियन की स्लाइस चली गई, और ये ब्लैक ऑलिव्स। तो ऊपर का बेस भी बहुत सही दिखने वाला है, और चिली फ्लेक्स, क्योंकि नागपुर में स्पाइसी तो बनता है। ये मखनी पनीर और ये सेजवान चीज, ये भी चल गई। और भैया कितना टाइम लगता है इसको बनने में? इसको बनने में लगेगा 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगा।
मतलब अगर कोई जालिम सैंडविच ऑर्डर करता है तो आपकी मतलब कितने टाइम में दे देते हो? 5 मिनट में रेडी हो जाता है। भाई स्पीड भी है काफी इनकी, क्योंकि 5 मिनट में इतना बड़ा इतना चीजी सैंडविच रेडी हो जाता है। तो अभी अपना ओवन में डाल गया, अभी अपने आते जा रहे बेसिस बढ़िया से। और फिर अब देखो मतलब इसको पाइल अप कैसे करेंगे। बेसिस हो गए एकदम बढ़िया से रेडी हो गया भैया, अभी इसको कटिंग करेंगे और एक के ऊपर एक बढ़िया से पाइल करेंगे, ताकि अगर मतलब जैसे ये लोग अगर पहले पाइल करते फिर कटिंग करते तो कटिंग में काफी दिक्कत आती है, या आपको परफेक्ट कट मिलेगा। और इसके बाद अपन देखेंगे इसका चीज पुल कैसे होता है, वो तो आप देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो अपना दूसरा भी कट गया, एक बार लोकेशन बता देना शॉप की। शर्मा सैंडविच नियर दयानंद पार्क अपोजिट टू साधना सहकारी बैंक। शर्मा सैंडविच नियर दयानंद पार्क अपोजिट टू साधना सहकारी बैंक जलीपट का नागपुर, पिन कोड बता दो तो 440014। और ये उसके मतलब जो किनारों पे जारी है चीज स्प्रेड व्हाइट कलर की, जिसकी वजह से ये जो दिखता है ना भाई पूरा कलर उठ जाता है। बेस को प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग करेंगे ये जो अपनी वुडन की प्लेटर्स में बेस चले गए, और इसके ऊपर वाली लेयर शेजवान वेजीज, पहले मखनी पनीर फिर शेजवान वेजीज, इसके ऊपर चीज कॉर्न, और जो ऊपर का इसका टॉप की लेयरिंग आएगी, जो भी एक ओपन सैंडविच ओपन चीज टोस्ट के समान है। फिर अपनी जो तीन मेन बेसिस है चले गए, और इसके बाद ये जो टॉप का बेस है ये लगने वाला है। और ये अब देख सकते हैं कितना यूज और कितना चीजी लग रहा है। चार लेयर है, लेकिन ये चार लेयर से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हर लेयर में एक डिफरेंट टेस्ट एक डिफरेंट स्टफिंग है। और भाई क्या तो दिख रहा है, एकदम चीजी और एकदम बढ़िया से चीज एकदम ब्राउन हो गई है, मेल्ट हो गई है। अभी इसका चीज पुल करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और आप देखो चीज पुल का मजा। अपना जो जालिम सैंडविच है रेडी हो गया, अभी इसका चीज पुल देखना। ओए होए क्या तो दिख रहा है, हर एक लेयर का एकदम जबरदस्त। तो यहाँ पे आओ ट्राई करो शर्मा सैंडविच जरीपट का दयानंद पार्क के ऑपोजिट में, मात्र 200 रुपए का इतना ह्यूमंगस सैंडविच, जबरदस्त।